बिहार पुलिस सप्ताह के अवसर पर बहादुरगंज थाना परिसर से विभिन्न स्कूलों के बच्चों के साथ पुलिस कर्मियों ने निकाला प्रभात फेरी, जहां नशा मुक्ति सहित अन्य कई विषयों पर आमजनों को किया जागरूक। बता दें चले कि बिहार पुलिस सप्ताह के अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक के पटना के दिशा निर्देश के आधार पर सभी थाना क्षेत्रों में 7 दिनों तक पुलिस के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर आमजनों को जागरूक करने की पहल पुलिस के द्वारा की जा रही है। वहीं इसी कड़ी में बहादुरगंज पुलिस के द्वारा बहादुरगंज थाना परिसर से विभिन्न स्कूलों के बच्चों के साथ प्रभात फेरी निकाली गई। अग्नि सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत अग्निशमन विभाग के तरफ से मॉक ड्रिल का आयोजन झुनकी मुसारा पंचायत में किया गया। अग्निशमन फायर स्टाफ ने झुनकी मुसारा पंचायत में ग्रामीणों को आग से बचाव के तरीके के बारे में अवगत करवाया। ग्रामीणों को मौखिक जानकारी के साथ साथ प्रायोगिक के विधि द्वारा आग से बचाव के विभिन्न तरीकों के बारे में बताया गया। महिलाओं को भी विभिन्न प्रकार की आग व उनको बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के अग्निशमन यंत्रों के उपयोग की जानकारी दी। उन्होंने घरेलू गैस सिलेंडर में आग लगाकर बताया कि हम सुरक्षित तरीकों से विस्फोट होने से बचा सकते हैं। वहीं अग्निशमन के कर्मी त्रिशूल कुमार ने बताया कि आग जैसी आपातकालीन स्थिति में दमकल विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके सूचना दें, घबराए नहीं, धैर्य से काम लें। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने टेरागाज प्रखंड क्षेत्र में 113 लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली एवं दूसरी डोज लगवाई, साथ ही साथ वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरूक किया। बताते चलें कि 100% कोरोना टीकाकरण कराने को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार टेरागाज प्रखंड क्षेत्र के अलग अलग पंचायतों में शिविर आयोजित कर ग्रामीणों को वैक्सीन लगवा रहे हैं। वहीं 82 कोरोना वैक्सीन 18 से अधिक उम्र के लोगों को लगाई गई, जहां 32 कोरोना वैक्सीन 15 से 17 वर्ष के किशोर किशोरियों को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लगवाया।